नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम रामोत्सव। और हमारे साथ आज खास मेहमान है अवरेल मलिक जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है मलिक साहब आपका। जी केशव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या में तैयारी चल रही है राम मंदिर की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसको लेकर के पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया भर में जो है खुशी का माहौल है। क्योंकि तो एक दीपावली जो हम भगवान राम के आने पर मनाते हैं, और एक दीपावली अब भगवान राम की जो प्रतिष्ठा, राम प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, राम प्रतिष्ठा जो होने जा रही है अयोध्या में, एक दिवाली 22 जनवरी को भी जो है लोग मनाने जा रहे हैं, दुनिया मनाने जा रही है। जी क्या कहेंगे आप? जी देखिए, बिल्कुल खुशी का माहौल है, लेकिन गम भी है कुछ लोगों में। वो है देश विरोधी लोगों में, देशद्रोही लोगों में, राम विरोधी लोगों में, हिंदू विरोधी लोगों में, अलीबाग गैंग में, टुकड़े टुकड़े गैंग में, जेएनयू गैंग में गम का माहौल भी है। और उन लोगों में भी गम हो सकता है जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोलियां बरसवाने का कार्य किया था, गोलियों से भूनने का कार्य, गोलियों से भूनने का पाप जिस पार्टी के द्वारा किया गया था, समाजवादी पार्टी के द्वारा। आज वे लोग निराश तो बहुत होंगे, उनकी निराशा से आज कुछ नहीं होने वाला। उनकी निराशा जनता अब जान गई है, ये लोग राम विरोधी हैं। मुझे भगवान लगातार श्री राम का विरोध जितने भी करने बयान आ वाला रहे कोई हैं, भी जितने व्यक्ति, भी बयान आ रहे हैं, और वो लगातार जो है विरोधी बयान दे रहे हैं। कोई बयान तो ये दे रहा है कि मुस्लिमों आप घर में रहो, कहीं दंगा ना हो जाए। इस पर आप क्या कहेंगे, जिस तरह के देखिए बिल्कुल बयान दिए गलत, जाते हैं? सुनिए, देखिए बिल्कुल गलत बयान है। इस प्रकार का बयान कभी दिया ही नहीं जाना चाहिए। और हिंदुओं के द्वारा कभी भी दंगा नहीं कराया गया, हिंदू कभी दंगा नहीं कराते। हिंदुओं ने एक बार भी दंगा कराया हो, कोई हिंदू दंगे में शामिल रहा हो, तो आप ऑन एयर उसका नाम बता दीजिए। एक भी हिंदू दंगे में शामिल नहीं होता। कोई हिंदू आतंकवादी आज तक आपको नहीं मिला होगा, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और मुझे तो कभी मिला ही नहीं, और जनता को भी कभी नहीं मिला। आतंकवादी किस मजहब से होते हैं आपको ही मालूम होगा, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है। कोई धर्म आतंकवाद का नहीं होता, आतंकवादी आतंकवादी होता है, लेकिन किस मजहब से होता है वो भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। आपको मालूम होगा कि किस गांधी जी मजहब भी से आए, होते हैं उन्हें बयान और कौन लोग होते हैं दिया और कहा और कहां से पढ़कर कि आते हैं। देश के क्या अंदर मदरसे से पढ़कर नहीं आते जो आतंकवादी? राम मंदिर है, आरजेडी विधायक ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि राम मंदिर से कुछ नहीं होने वाला है, आपको जो है विद्यालय जाना चाहिए, कॉलेज में आपको जाना चाहिए, राम राम मंदिर से क्या भला होने वाला है। आप क्या कहेंगे, आरजेडी विधायक और आरजेडी नेता लगातार जो है भगवान राम का भी अपमान करते हैं, हिंदुत्व तो पर भी बोलते हैं, लगातार वो बोलते रहते हैं, वो सारे के सारे हिंदू हैं, तो क्या कहेंगे आप आरजेडी को कि आरजेडी के बयान जिस तरह के आ रहे हैं लगातार, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो या फिर उनके तमाम नीतीश की सह पर ये सारे काम हो रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आप इस बात को जान लीजिए कि आज देश को राम भी मिले और रोटी भी मिली, हर व्यक्ति को रोजगार भी मिल रहा है, और भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण भी हो रहा है। इससे सौभाग्य का विषय कभी नहीं हो सकता। एक समय हुआ करता था जब आतंकवादी जाकर बिरयानी खाया करते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो बहुत दुख का विषय था, बहुत दुख की बात थी। और मैं समझता हूं आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो इस बात को समझ लीजिए, कोई भी आतंकवादी, कोई भी देश विरोधी, कोई भी देशद्रोही तत्व इस देश में नहीं रह सकता। और ये देश अब उन लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है जो देश विरोधी हैं या देशद्रोही हैं। बाकी सबके लिए देश आज सुरक्षित हो गया। उस समय देशभक्त सुरक्षित नहीं था, देशद्रोही सुरक्षित था, देश विरोधी सुरक्षित हुआ करते थे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, यूपीए लेड गवर्नमेंट हुआ करती थी। और आज के समय में जब एनडीए की सरकार है, जब नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, अमित शाह जी का नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप अब निश्चिंत होकर रहिए। आज के समय में हर गरीब के लिए कार्य किया जा रहा है, और मैं कह सकता हूं ये बहुत बड़ा विषय है। ये राम राज्य आ गया, ये राम राज्य की स्थापना है,
इस देश में राम राज जो है। लगातार जिस तरह के बयानबाजी जो है हो रही है, आप क्या कहेंगे उन बयानों को लेकर के? आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, क्या संभव है कि दूसरे धर्मों पर या दूसरी कम्युनिटी पर इस तरह के बयान जो है दे सकते थे नेता कभी भी? क्या इनकी इतनी हिम्मत है जितना कि राम पर, राम मंदिर पर, हिंदुत्व पर, हिंदुओं पर जिस तरह की बयानबाजी ये कर रहे हैं, तो इनके चेहरे सबके सामने खुल करके आ रहे हैं? बिल्कुल, इस बयान को उल्टा करके देख लीजिए, जो ये बयान दे रहे हैं इन बयानों को उल्टा इस प्रकार से कर लीजिए, यदि ये बयान किसी अन्य मजहब के लिए दिए गए होते तो क्या होता आपको ही मालूम है। नुपुर शर्मा जी के संग क्या हुआ आपने भी देखा, नुपुर शर्मा जी का किस प्रकार से अपमान करने का प्रयास किया गया महिला होने के बावजूद, इस बात को आपने भी देखा होगा। और हिंदुओं के विरोध में, हिंदू धर्म के विरोध में, सनातन धर्म के विरोध में, भगवान श्री राम के विरोध में हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कितनी बार किया गया, भगवान श्री राम के विरोध में कितने बार बयान दिए गए, यह आपने भी देखा होगा। और अगर किसी एक मजहब के खिलाफ कोई एक स्टेटमेंट आ जाए तो किस तरीके से देश में आग लगती है, यह भी आपने देखा होगा। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कौन सा धर्म ऐसा है जो कि सबको स्वीकारने की बात करता है, कौन सा धर्म ऐसा है जो सबको गले लगाने की बात करता है, और कौन सा मजहब ऐसा है जो देश के खिलाफ चला जाता है, और कौन सा मजहब ऐसा है कि देश विरोधियों को, आतंकवादियों को भी वो अपने गले लगाने के लिए तैयार हो जाता है। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, कुछ लोगों के द्वारा भगवा आतंकवाद कहा गया था, भगवा आतंकवादी मुझे तो कहीं नहीं मिला, एक भगवा आतंकवादी मुझे नहीं मिला, मैं सारे विश्व में घुमा हुआ हूं, मुझे कहीं नहीं दिखा भगवा आतंकवादी, ये कहां से भगवा आतंकवाद का नाम दे रहे थे। ऐसे लोगों का इलाज देश की जनता ने और देश की बहुसंख्यक आबादी ने कर दिया। देश में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है और कोई हिंदुओं के खिलाफ बयान देगा, मैं ही नहीं कोई देशवासी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। और ये हिंदुओं का देश है जी। ये देश केवल और केवल हिंदुओं का है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हिंदुओं का देश है। अब जिन जिन का औरों का है वो अपना बता दें कि उनका है कि नहीं है, उससे उनकी भारतीयता साबित हो जाएगी। कुछ लोग तो हो सकता है मानो नहीं अपने आप को इस देश का नागरिक, कुछ लोग हैदराबाद से आते हैं और संसद में जाते हैं, उन लोगों का क्या विचार है, वे लोग क्या कहते हैं इस बयान पर, उन्हें स्पष्ट कर देना चाहिए। और किस प्रकार से खुलकर देश विरोध किया जाता है, किस प्रकार से भारत माता की बोलने के खिलाफ ये लोग ऊपर आते हैं। 22 जनवरी को भी हर साल जो है ज्ञान महोत्सव मनाया जाएगा, जिस तरह की जो है आप तैयारी, दिवाली, दूसरी दिवाली जो है देश मनाने जा रहा है, दुनिया मनाने जा रही है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे धर्मों में भी इस चीज को जो है मनाने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग राम को मानने वाले हैं, जो बौद्ध देश है, इंडोनेशिया हो गया है, या तमाम हम देशों की अगर बात करें, मुस्लिम बाहुल्य कंट्री होने के बावजूद भी वहाँ राम को बहुत ज्यादा जो है मानते हैं, और वहाँ मुस्लिम ही रामलीला भी करते हैं। इसका खुलासा भी योगी आदित्यनाथ जी ने किया था अपने एक बयान में, और कहा था कि मैं वहां गया और मुस्लिमों से मिला तो उन्होंने कहा कि आप कैसे रामलीला मनाते हैं, आप तो मुस्लिम हैं। तो उन लोगों ने बयान दिया था, उन्होंने कहा कि राम तो हमारे पूर्वज हैं, राम तो हमारी प्रतिष्ठा है, हम मुस्लिम हैं तो क्या हुआ, वो तो हमारे ही हैं, हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं, उनके बिना तो इंडोनेशिया अधूरा है, उनके बिना तो हम अधूरे हैं। और एक बड़ी कमाल की आपको बात बताता हूँ, एक मूर्तिकार था इंडोनेशिया का, और उसने तमाम मूर्तियां बनाई हुई थी, उसने अपने जीवन में एक चीज सोची थी कि श्री हरि विष्णु की मूर्ति ऐसी बनाऊंगा गरुड़ पर बैठी हुई जो पूरी दुनिया देखेगी, उसे विशाल कह कोई मूर्ति नहीं। और आज आप देख लीजिए कि इंडोनेशिया में जहां अगर हम संसद भवन के आगे बना दें, यहाँ मूर्ति अगर बना दें तो पूरे देश में जो है हाहाकार मच जाएगा, लोग जो है सड़कों पर उतर आएंगे, जिस तरह की पार्टियां छाती पीटती हैं, यहाँ हमको विधवा कर दिया, तो इस तरह का जो है जो विधवा विलाप जो ये पार्टियां करेंगी आप सोच भी नहीं सकते। इंडोनेशिया जैसी मुस्लिम बाहुल्य कंट्री में उन्होंने, खुद मुस्लिम जो है कलाकार ने श्री हरि विष्णु की बड़ी सी भव्य मूर्ति इतनी बड़ी बनाई है, दुनिया की सबसे बड़ी वो विष्णु जी की मूर्ति है, उससे बड़ी कोई मूर्ति नहीं है अभी तक। तो आप देखिए कि कितना लगाव है उन लोगों को और किस तरह के का जुड़ाव है उनका जो है भगवान राम से, इस तरह का आप देखिए कि वहाँ मुस्लिम बाहुल्य होने के बावजूद भी वो खुद संस्कृति और अपनी जो है बचाव करके चल रहे हैं कुछ सारी चीजें।
और वहां के जो प्रधानमंत्री थी जो मुस्लिम थी और जिन्होंने अभी पिछले वर्ष ही हिंदू धर्म जो है स्वीकार किया है जी, वहां भी बड़ी खुशी। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा विश्व आज प्रसन्न है। और उसके साथ साथ इस बात को मैं बताना चाहूंगा, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो बड़े परेशान हैं, और परेशान कौन हो सकता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण हो रहा है, उसमें कौन परेशान हो सकता है? केवल वही हो सकता है जो देश विरोधी होगा, देशद्रोही होगा और देश में आग लगाने का प्रयास करता होगा। असदुद्दीन ओवैसी बहुत परेशान है, असदुद्दीन ओवैसी के बयान से स्पष्ट हो रहा है कि वो बहुत परेशान है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी मानने के लिए, स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। और मुसलमानों को भड़काने का कार्य असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा लगातार निरंतर किया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुख का विषय है। अलग साहब, आज तक एक बात समझ नहीं आई मुझे राजनीति में, जैसे जब स्टालिन के बेटे ने कहा था कि हिंदुत्व खत्म कर दूंगा, तो इनकी गठबंधन के लोगों से जब राजनेताओं से पूछा गया कि आप क्या कहेंगे इस पर, तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी का बयान नहीं है, हमारे गठबंधन का बयान नहीं है, उनका निजी बयान है। तो इसी तरह से भाजपा में भी अगर कोई नेता गलती करता है या गलत बयान दे देता है, तो फिर ये उसके पीछे पड़ जाते हैं, उस पर तो ये कभी नहीं कहते कि ये पार्टी का नहीं है, उनका निजी बयान था, तो हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो अगर किसी नेता ने गलती से हाँ, तो उसके तो पीछे पड़ जाएंगे कि कैसे बयान दे दिया। इनकी पार्टी के लोग चाहे राम पर बोले, रामायण जला दें, ये उस पर उसका निजी बयान बचा के, और ये निजी बयान क्या होता है और ये नेता इससे बचते कैसे, ये मैं एक जानना चाहता हूँ, ये देश भी जानना चाहता है। क्योंकि ये लोग तो पल्ला झाड़ लेते हैं, फिर जनता इनको झाड़ देती है चुनाव में, ये समझ जाते हैं कि हमको झाड़ दिया गया इस बार। लेकिन ये जो निजी बयान बचना, ये इंडी गठबंधन का जो है पुरानी आदत है, या फिर इन्होंने जो है ये अपना तकिया कलाम बना रखा है कि नहीं ये वाला बयान ही हमें बोलना है, अगर ऐसा कोई बयान दे देता है तो बचना है इस चीज जी। बिल्कुल, देखिए आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ और जनता भी समझ रही है। जब हम सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो निजी कुछ नहीं होता, निजी बयान नाम की चीज कुछ नहीं होती। जब सार्वजनिक जीवन में कार्य कर रहे हैं, सार्वजनिक जीवन में कार्य करते हुए सब कुछ सार्वजनिक होता है, निजी कुछ नहीं होता। निजी संपत्ति भी नहीं बोली जा सकती, बयान भी निजी नहीं कहा जा सकता। अगर संपत्ति भी किसी नेता के पास ज्यादा है और लगातार बढ़ रही है, उसको भी जनता देखती है। सही बात। और सार्वजनिक करनी होती है, यदि सार्वजनिक नहीं करते तो कानून, अब आज के समय में तो इस प्रकार का कानून है, इस तरीके से जब वो जाएगा कोई व्यक्ति, तो पहले बताना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से सब कुछ निजी बताया जा रहा है, सब कुछ निजी बता रहे हैं, अब मैं वोट लेने के लिए जनता के पास क्यों जाते हैं? ये जनता के पास ना जाए तौर पर कार्य कर ले जी। निजी कुछ नहीं होता इसमें। और जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, सभी देश के खिलाफ हैं और राष्ट्र विरोधी लोग हैं। मैं तो समझता हूं ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जो देश के खिलाफ है, देश के विरोध में बात कर रहा है, उसे इस देश में रहने का कोई अधिकार मैं समझता हूं नहीं है। ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान चले जाना चाहिए, इस देश में उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति अच्छा होगा कि पाकिस्तान चला जाए। और उसके साथ साथ जिस तरीके से आजम खान हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो, ये पूरा यादव परिवार हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, लालू यादव हो, ठाकुर ने बयान दिया था देश विरोधी और राम विरोधी लोग, ऐसे राम विरोधियों को मजा चखाने का कार्य जनता के द्वारा किया जाए जी। अनुराग ठाकुर जी ने जो युवा हृदय सम्राट बोले जाते हैं, तो उन्होंने एक बार एक बयान दिया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, बड़ा विरोध हुआ था, समर्थन भी हुआ था पूरे देश भर में, लेकिन उसके बाद में गद्दारों वाली कोई चीज नहीं आई। क्योंकि जो ये इस बयान के बाद में किसी के ऊपर गद्दार का तमगा नहीं लगा और लोगों ने गद्दारी भी करनी छोड़ दी, तो लगता है असर हुआ था उस बयान का भाजपा के। देखिए मैं समझता हूँ वो बयान उनके द्वारा नहीं दिया गया, उन्होंने जनता से पूछा था कि देश के गद्दारों का क्या करना है, तो देश के गद्दारों का क्या इलाज किया जाना चाहिए, वो जनता ने क्या जवाब दिया वो मुझे मालूम नहीं।
और अनुराग ठाकुर जी ने केवल और केवल जनता से पूछा था, जनता से पूछने भर से वो बयान नहीं हो जाता। आपसे मैं पूछता हूँ आधा वाक्य बोल करके, और वाक्य को पूरा आप करते हैं, आगे की लाइन आप बोलते हैं, तो उससे ये नहीं है कि वो बयान मैंने दिया, वो जनता का बयान है, जनता के द्वारा कहा गई बात है। जो बात जनता के द्वारा कही जा रही है, मैं समझता हूँ उस बयान को अनुराग जी के ऊपर थोपना गलत है, और जिस प्रकार का कार्य अनुराग ठाकुर जी के द्वारा लगातार किया जा रहा है वो बहुत अच्छा है, जनता के लिए कर रहे हैं वो लगातार कार्य, 24/7 जनता के लिए काम करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब सार्वजनिक जीवन में हो, जब राजनीति में हो, तो मैं समझता हूँ जनता के लिए काम करना बहुत आवश्यक है। जनता तभी अनुराग जी को लगातार चुनती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना खूबसूरत कार्य वो कर रहे हैं, देश के लिए इतना खूबसूरत कार्य कर रहे हैं, मैं समझता हूँ देश हित में वो लगातार कार्य जो कर रहे हैं, जनता उससे बहुत प्रसन्न है और लगातार वो आगे बढ़ेंगे जी। तो अब इस तरह का आप देख रहे हैं कि अयोध्या आने वाले समय में कैसी होगी, और क्या अयोध्या का और भी जो है विकास किया जाएगा, जिस तरह से अयोध्या में कार्य चल रहे हैं, क्या अयोध्या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश या फिर भारत का अगर हम कहें तो भारत का सबसे साफ शहर, सबसे सुरक्षित शहर और सबसे धार्मिक शहर जो है, और फिर भी यहाँ अगर हम टूरिज्म की बात करें तो बाहर से कितने लगभग लोग आने वाले हैं, आंकड़ा क्या कहता है, क्योंकि 32 करोड़ तो बता दिए गए हैं अभी सरकार बता रही है, आने वाले समय में क्या लगता है कितना आंकड़ा लगभग हो सकता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है देश में इस मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर रखा जाए, फिर इसको अंतरराष्ट्रीय मंदिर जिस तरह से अन्य धार्मिक स्थल भी किए जाते हैं, जैसे अगर हम सिखिज्म की बात करें तो सिखों का भी स्वर्ण मंदिर है जहाँ जिसको जो है पूरी दुनिया से लोग वहां आते हैं, तो इस तरह से हमारे पास जो है कोई अपना मंदिर ऐसा नहीं था पहले जहाँ हिंदू जा सके जो प्रमुख केंद्र हो, तो क्या आने वाले समय में अयोध्या का जो रामलला का मंदिर है ये केंद्र हो सकता है हिंदुओं का धार्मिक स्थल हो सकता है? जी बिल्कुल, वो केंद्र निश्चित रूप से है, हर व्यक्ति के दिल में भगवान श्री राम बसे हुए हैं और सब लोग उनको अपना आराध्य मानते हैं, और लगातार सब लोग किस प्रकार से पूजा करते हैं और कितनी आस्था भगवान श्री राम में है उसका उदाहरण तो आपको देखने के लिए मिल गया होगा, जब बाबरी ढांचा वहां से हटाया गया था वो सबसे बड़ा उदाहरण था, और किस प्रकार से करोड़ों की संख्या में लोग लगातार भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे थे वो भी आपने देखा होगा, जब भी भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए रैलियां हुआ करती, चाहे विश्व हिंदू परिषद के हो, बजरंग दल के कार्यक्रम हो, हिंदू संगठनों के कार्यक्रम जब भी हुआ करते थे, कितनी बड़ी संख्या में लोग जुटा करते थे, आपने इस बात को भी नोट किया होगा। और उसके साथ साथ जिस तरीके से भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण आज हो रहा है, ये केवल इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि आज देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार मौजूद है, अन्यथा जब राष्ट्र विरोधियों की सरकार इस देश में रही तब इस प्रकार का कार्य संभव नहीं हो पाया, ये प्रमाण है इस बात का कि ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, जो राम विरोधी है वो देश विरोधी है, क्योंकि हर जगह ये कहा जाता है राम राज्य का निर्माण होना चाहिए और आज राम राज्य का निर्माण हो गया, ये स्पष्ट भी हो गया, क्योंकि बेरोजगारी लगातार घट रही है, रोजगार बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से डेवलपमेंट कार्य आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उससे ये प्रमाण इस बात का मिल जाता है कि ये बहुत बड़ी बात है। और जो लोग मुजफ्फरनगर दंगे कराया करते थे कम से कम उन्हें तो सुधर जाना चाहिए अब, क्योंकि राम भक्त और हिंदू अब उनको टॉलरेट करने वाले नहीं है, और इस बात को समझ लेना चाहिए, जेएनयू गैंग हो, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, शाहीन बाग गैंग हो, जामिया मिलिया गैंग हो, इन लोगों को सुधर जाना चाहिए, मैं समझता हूँ इन लोगों के ऊपर जनता अब कार्रवाई करेगी, जनता के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, चुनाव बहुत निकट आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव बहुत निकट है और अब इन लोगों का इलाज जनता के द्वारा किया जाएगा, और जनता के द्वारा जो इलाज किया जाता है वो परमानेंट इलाज होता है, परमानेंट सॉल्यूशन होता है, क्योंकि जनता ऐसे लोगों को संसद तक पहुंचने ही नहीं देगी जो इन लोगों का समर्थन करता है अथवा इन लोगों के पक्ष में है, जो जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद,
प्रकार से कार्य को बढ़ावा देता है, गुंडा राज को बढ़ावा देता है, इससे लोगों को जनता कतई भी स्वीकार करने वाली नहीं है। और एक आम आदमी पार्टी है जिसके नेता टोटली राम विरोधी हैं, तब राम विरोधी उस पार्टी में शामिल है। और जिस तरीके से राम विरोधियों का दल बन चुका है आम आदमी पार्टी, तो इस बार आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली का निर्माण हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये संभव है, वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में ये होना तय है। जो व्यक्ति हवाला घोटाला करे, जो व्यक्ति डीटीसी घोटाला करे, जो व्यक्ति शराब घोटाला करे, जो व्यक्ति जल बोर्ड घोटाला करे, जो व्यक्ति क्लासरूम घोटाला करे, तो ऐसे व्यक्ति को मैं समझता हूं दिल्ली की जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। ऑक्सीजन घोटाला करने वाला व्यक्ति, टैंकर घोटाला करने वाला व्यक्ति, राशन घोटाला करने वाला व्यक्ति, दवा घोटाला करने वाला व्यक्ति, बिजली सब्सिडी घोटाला करने वाला व्यक्ति, स्ट्रीट लाइट घोटाला करने वाला व्यक्ति, यमुना सफाई घोटाला करने वाला व्यक्ति दिल्ली की सरकार में बिल्कुल नहीं रह सकता। इस बार जनता इस बात को तय कर देगी और जनता के द्वारा मुंहतोड़ जवाब आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को दिया जाएगा। जिस तरीके से इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल गए, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन इनके सिटिंग मिनिस्टर जेल गए, जिस प्रकार से सिटिंग राज्यसभा एमपी संजय सिंह जेल गया, तो इस बात को ये स्पष्ट करता है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और इस बात को यह भी स्पष्ट करता है इन्होंने दिल्ली में दंगे कराए हैं। दिल्ली में दंगे कराने वाला कौन था? आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली राज्य में दंगे हुए, जेल गया इनका पार्षद। ये विषय रामोत्सव के नहीं है, क्योंकि इस विषय पर हम नहीं जाएंगे अब अगले डिबेट में या तमाम चीजों में। रामोत्सव के विषय बिल्कुल एक क्वेश्चन रामोत्सव के विषय इसलिए रखेंगे क्योंकि राम विरोधी है। अब तो राम विरोधी है, राम राज्य अपना में अड़ंगा डालने का जो प्रयास करता है उसके ऊपर मैं समझता हूँ जनता मुंहतोड़ ऐसे लोगों को जवाब दे। ये रामोत्सव का विषय नहीं, क्योंकि 22 जनवरी को आप जो है किसी को फांसी चढ़ाने नहीं जा रहे हो, प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हो। रामलला की जो है राम प्रतिष्ठा करने जा रहे हो, तो वहां पर जो है किसी पार्टी का और ये चीजों का, ये तो बड़े सारे डिबेट चलते रहते हैं जहाँ पर हम राजनीतिक बातें कर सकते हैं। धार्मिक चीजों में राजनीतिक बातें जो है वो ठीक नहीं है। अब एक सवाल है आपसे कि चार शंकराचार्य, चारों के चारों शंकराचार्य ने निमंत्रण ठुकरा दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम तालियां बजाने नहीं जाएंगे। जिस तरह अयोध्या में होने जा रहा है और जिस तरह से भाजपा जो है राम नवमी तक का इंतजार नहीं कर सकती थी, खुले तौर पर उन्होंने बोला है, कल भी बयान दिया है, तो हम इसमें शामिल नहीं होंगे इस कार्यक्रम में, क्योंकि तो गलत तरीके से किया जा रहा है, ये चुनाव के कारण पहले किया जा रहा है। और चारों के चारों जो धर्मगुरु है का जो है शंकराचार्य का बहुत ही महत्व है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, क्योंकि वो हमारे जो है धर्मगुरु होते हैं स्वतः ही और वही असली धर्मगुरु है। तो चारों के चारों शंकराचार्यों ने जो है इसका विरोध किया है, मना कर दिया है, निमंत्रण को ठुकरा दिया है। क्या कहेंगे, क्योंकि शंकराचार्य शिव जी के अंश माने जाते हैं, शंकर के अवतार भी माने जाते हैं, तो वो शंकराचार्य की गति से शंकराचार्य स्वयं जो है उस चीज को ठुकरा रहे हैं। जी, इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, हम बहुत सम्मान करते हैं शंकराचार्यों का, सभी संतों का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सम्मान किया जाता है। अन्य राजनीतिक दल कभी भी संतों का सम्मान नहीं करते। संतों का अपमान करने का कार्य समाजवादी पार्टी हो या अन्य राजनीतिक दल हो, इनके द्वारा किया जाता है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा संतों का अपमान करने का कार्य किया जाता है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, तो सभी आमंत्रित हैं उस समारोह में, सभी लोग आमंत्रित हो। और जिस प्रकार से आपका प्रश्न है, तो मैं आपको उत्तर दे देता हूं। राजनीतिक टूल देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, इस विषय के ऊपर राजनीति करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या अन्य राजनीतिक दल हो, धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें कृपया करके राजनीति ना करें। अगर वो पॉलिटिसाइजेशन इसका कर रहे हो, इसमें पॉलिटिक्स घुसा रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल गलत है, अनुचित है। और इस प्रकार का कार्य इन लोगों को शोभा नहीं देता, इस प्रकार का कार्य इन लोगों को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, धार्मिक कार्यों में राजनीतिक जैसी चीजें नहीं आनी चाहिए। और 550
साल के बाद में रामोत्सव होने जा रहा है, उसमें शरीक होने के बजाय उसका बायकॉट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खुशी का विषय है, पूरी दुनिया इसे मना रही है, इसमें अगर शामिल होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और ये खुशी का विषय इसलिए भी और ज्यादा बन जाएगा क्योंकि भक्त तो सारे राम के पहुंच में है ना, राम के पास, वो तो घर से अपने दीपक जला रहे हैं, वो तो जला रहे हैं प्रकाशोत्सव मना रहे हैं, वो तो राम लला के पीछे पागल है, वर्षों से लोगों ने बलिदान दिया है, कुर्बानियां दी हैं, तब जाके जो है भगवान राम की घर वापसी हो रही है, घर में स्थापित हो रहे हैं, उनको घर मिल रहा है। जिस तरह से आप देखिए कि नेपाल में लगातार बाढ़ आ रहे हैं, 600 करोड़ वर्ष पुराना जो है शालिग्राम पत्थर आया जिससे भगवान राम और माता सीता की जो है मूर्तियां बनाई गई, और उसके बाद में वहां से 15 नदियों का जल आया, तो तमाम पूरी दुनिया से जो है निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया खुश है और आज जो है शामिल और शरीक भी हो रही है, और उसमें केवल एक धर्म ही नहीं है, तमाम दुनिया के जितने मजहब धर्म है, हर धर्म के लोग जो राम से प्यार करते हैं और अटूट प्यार करते हैं, वो सारे के सारे राम भक्त जो है आज खुशी मना रहे हैं, वो राम को राम की तरह ही उनको देख रहे हैं कि राम अब जो है आ रहे हैं। 22 जनवरी को जो दुनिया में होने जा रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इबारत और इतिहास लिखा जाएगा उस पर, कि इतना बड़ा जो है जश्न कभी मनाया ही नहीं गया था, जो 550 साल के बाद में इतना बड़ा जश्न जो पूरी दुनिया में एक साथ होने जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा विषय है, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उसमें संभव हो सका, इस बात को जनता भी कह रही है आज, और राम विरोधी किस प्रकार के बयान दे रहे हैं, कभी जेडीयू का सांसद निकलकर सामने आता, जेडीयू का सांसद भगवान श्री राम के विरोध में बयान देता है, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ ये लोग हैं, उस चीज को स्पष्ट ही अपराध कर रहे हैं, और जनता जानती है, जनता समझ रही है, और ऐसे लोगों को दंडित करने का कार्य मैं समझता हूं जनता के द्वारा किया जाएगा, और ये निश्चित होगा बिल्कुल, और ये जैसा किया जाए जनता जो है बिल्कुल जवाब देगी। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, रामोत्सव में बस इतना ही, अगली बार फिर हम हाजिर होंगे रामोत्सव में ही अन्य मेहमानों के साथ भी, और फिर से हमारे साथ मलिक साहब जुड़ेंगे और तमाम सवाल, क्योंकि 22 जनवरी तक तो रामोत्सव जारी रहेगा, क्योंकि 22 जनवरी को रामोत्सव मनाना भूले भी नहीं, एटीवी न्यूज चैनल पर रामोत्सव की पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी समय समय पर। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय सियाराम, जय श्री राम, जय हिंद, जय सियाराम।